आज कक्षा 8वीं में हिंदी कालांश में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तिका भारत की खोज। भारत की खोज का आज हम देखेंगे अध्याय 5 जिसका नाम है नई समस्याएं। इस भाग के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने बहुत सी समान विशेषताएं, आदतें, रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित की। वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे, एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक होते थे, एक ही भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ एक ही तरह से रहते थे और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। यहाँ पे नेहरू जी ये बताना चाह रहे हैं कि भारत में जब मुसलमान, एक समय ऐसा भी आया जब भारत में रहने वाले ज़्यादातर जो मुसलमान थे उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। यही नहीं, बहुत अधिक समय तक एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारत के जो हिंदू थे और जो मुसलमान थे वे हर चीज़ में एक समान हो गए, जिससे उनकी आदतें, उनके रहने सहने का ढंग, उनकी कलात्मक रुचियाँ, इन सब में उनमें समानता आ गई। वे बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से एक दूसरे के साथ रहते थे। उन्हें देखकर यह नहीं कहा जा सकता था कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, जैसे एक कौम के लोग, एक जाति के लोग, एक धर्म के लोग एक साथ रहा करते हैं, कुछ उसी तरह से हिंदू और मुसलमान भी साथ साथ रहा करते थे। यही नहीं, वे एक दूसरे के त्योहारों और उत्सवों में शामिल भी होते थे, एक ही भाषा बोलते थे और हर तरह से कहा जा सकता है कि वे, अगर जो उनकी समस्याएं थी उनका समाधान भी एक ही तरह से किया करते थे और एक ही तरह की समस्याओं का सामना करते थे, चाहे वे किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या ही क्यों न हो। यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप में बाधक थी। एक आध उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे। आपसी खान पान भी नहीं होता था, पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई। अब जो हम कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान काफ़ी हद तक एक दूसरे की हर संस्कृति को, हर चीज़ को अपना चुके थे और एक साथ रहते थे, अपनी समस्याएं भी साझा करते थे, ये तब की बात है जब समाज में वर्ण व्यवस्था मौजूद थी जो इस प्रकार के मेल मिलाप को नहीं मानती थी, वो इस प्रकार के मेल मिलाप में बाधा उत्पन्न करती थी। अगर हम कुछ उदाहरणों को छोड़ दें तो आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे, उनके विवाह आपस में नहीं होते थे, और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे। आपस में उनका खान पान भी नहीं होता था, वे एक दूसरे के घर जाके खाना पीना नहीं करते थे, पर इस मामले में बहुत ज़्यादा कड़ाई या सख्ती नहीं बरती जाती थी। और सबसे बड़ी जो सामाजिक विकास में रुकावट थी वह थी औरतों का पर्दा प्रथा, औरतों को पर्दे में रखना। गांव की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था और उनमें सामूहिकता कहीं अधिक थी। गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे, वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी और हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात मान लिया था। वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे और कुछ अर्ध धार्मिक से त्योहार दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। उनके लोकगीत भी एक ही थे। इनमें से ज़्यादातर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे। अब हम जानते हैं कि शुरुआत से ही भारत की ज़्यादातर आबादी जो है वो गांव में रही है, तो गांव की आम जनता में
आर्थिक आबादी अर्थात आबादी के एक बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था, अर्थात उनमें सामूहिकता थी। वे लोग मिलजुल के ही सब कुछ किया करते थे, चाहे त्यौहार मनाना हो या अन्य समस्याओं का समाधान निकालना हो या फिर उनके जो पुश्तैनी धंधे हों, वो सब उनके एक जैसे ही हुआ करते थे। गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी, मतलब वर्ण व्यवस्था का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं था, और हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात मान लिया था। हिंदू मुसलमान दोनों साथ में ही समझो रहा करते थे, जैसे कि वो एक ही जाति के लोग हों। वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे। कुछ अर्धधार्मिक जो त्यौहार हुआ करते थे वे समान रूप से मनाते थे। यही नहीं, उनके लोकगीत भी एक ही थे, और ज़्यादातर गाँव के जो लोग थे वो किसान, दस्तकार और शिल्पकार थे। मुगल शासन के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं। इसी समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदू हिंदी में लिखा। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा और अब्दुल रहीम खान खाना, ये कौन थे, जो अकबर दरबार के अमीरों में थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे। अब यहाँ पे बताया गया है कि हिंदू और मुसलमानों में जो मेल जोल बढ़ गया था उसका प्रभाव यहाँ भी बताया गया है कि मुगल शासन काल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा उस समय फारसी थी, तो हिंदू होते हुए भी उन्होंने फारसी में पुस्तकें लिखी थी। इनमें से कुछ पुस्तकें तो कालजयी रचनाएँ मानी जाती हैं जिन्हें आज भी हम याद करते हैं, जैसे पद्मावत। इसी समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा, अर्थात हिंदू जो लेखक हुआ करते थे उन्होंने फारसी भाषा में लिखा, जो मुसलमान हुआ करते थे उन्होंने फारसी, संस्कृत और हिंदी में भी लिखा। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं, कौन से दो कवि उस समय हुआ करते थे, मलिक मोहम्मद जायसी और अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी पद्मावत, जो आज भी हमें नाम सुनने को मिलता है। यहाँ पे देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत, और जो दूसरे लेखक जिनका नाम यहाँ पे बताया, अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये उस समय जो अकबर का दरबार था वहाँ के अमीरों में से एक थे और उनके जो संरक्षक थे उनके पुत्र थे। खान खाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपह सालार रहे, फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। अब यहाँ पे रहीम खान खाना के बारे में बताया गया है कि जो रहीम खान खाना थे वे अरबी, फारसी और संस्कृत इन तीनों भाषाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान रखते थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी हिंदी कविता का स्तर भी बहुत ऊंचा था। कुछ समय तक वे सिर्फ कवि ही नहीं रहे बल्कि शाही सेना के सिपह सालार भी रहे, अर्थात वे सेनापति भी रहे, और फिर भी उन्होंने मेवाड़ के राजा जो थे राणा प्रताप उनकी तारीफ़ में भी रचनाएं लिखी जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। अकबर और राणा प्रताप के बीच में युद्ध भी हुए परंतु फिर भी खान खाना ने राणा प्रताप की प्रशंसा में भी रचनाएं लिखी। तो राणा प्रताप के बारे में भी हम काफ़ी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। औरंगज़ेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी। औरंगज़ेब
समय के विपरीत चलने वाला शासक था। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। वह धर्मांध और कठोर नैतिकतावादी था। उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर लगाकर और उनके बहुत से मंदिरों को तुड़वाकर उसने अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया। उसने उन अभिमानी राजपूतों का को भी नाराज कर दिया जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे। उत्तर में सिख उठ खड़े हुए। यहाँ तक देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार कि जो औरंगजेब था वो हमेशा समय के विपरीत चलने वाला शासक था। उसमें योग्यता तो थी, उत्साह तो था, परंतु फिर भी वह कुछ अन्य शासकों से अलग था। जैसे वो धर्मांध और कठोर नैतिकतावादी था, अर्थात उसे धर्म से अत्यधिक लगाव था। उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हमने अब तक जितने भी राजाओं के बारे में पढ़ा है, शासकों के बारे में पढ़ा है, वे ज़्यादातर कला और साहित्य प्रेमी हुआ करते थे। उनके विपरीत औरंगजेब जो था वो साहित्य और कला का बिल्कुल भी प्रेमी नहीं था। हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर मतलब एक प्रकार का कर होता है जो किसी अन्य धर्म के लोगों पर लगाया जाता है। तो जैसे मुसलमान के अतिरिक्त अगर कोई और मुस्लिम धर्म के अतिरिक्त अगर कोई दूसरे धर्म को मानने वाला है तो उन पर यह कर लगाया जाता था। उस समय तो हिंदुओं पर यह कर लगाया जाता था और उनके बहुत से मंदिरों को भी औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। उसने अपनी प्रजा और ऐसा करके उसने अपनी ही प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज़ कर दिया था। उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज़ कर दिया जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे। जो राजपूत थे, जो मुगल साम्राज्य के स्तंभ हुआ करते थे, उस समय उनका आधार हुआ करते थे, उसको भी औरंगजेब ने नाराज़ कर दिया। उस समय उत्तर में सिख उठ खड़े हुए। वे हिंदू और मुस्लिम विचारों का किसी हद तक समन्वय करने वाले शांति प्रिय समुदाय के प्रतिनिधित्व थे। वे चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम विचारधारा जो है उनका मेल हो जाए। जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित हो गए। वे दमन और अत्याचार के विरुद्ध संगठित होकर हिंदू और मुस्लिम विचारधारा के समन्वय को आगे बढ़ाना चाहते थे। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज लड़ाकू मराठों को क्रुद्ध कर दिया। ठीक ऐसे समय जब उनके बीच एक अद्भुत सेनानायक उठ खड़ा हुआ था। तो औरंगजेब ने इस प्रकार से कई लोगों को अपने विरुद्ध खड़ा किया और कई लोगों को उसने क्रोधित भी किया। मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई और पुनर्जागरणवादी विचार पनपने लगा जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था। वह आधुनिक युग जैसा धर्मनिरपेक्ष ढंग का राष्ट्रवाद नहीं था, न ही इसकी व्याप्ति पूरे भारत में थी। धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने दोनों ही तत्वों से शक्ति और संबद्धता हासिल की, लेकिन उसकी कमजोरी भी इसी मेल से पैदा हुई थी। मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में एक प्रकार की उत्तेजना फैल गई। लोगों के मन में पुनर्जागरण विचारधारा पनपने लगी जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद दोनों का मेल था। वह आधुनिक युग जैसा धर्मनिरपेक्ष ढंग का राष्ट्रवाद नहीं था और न ही इस ये पूरे भारत देश में व्याप्त था। धर्म और राष्ट्रवादिता का जो मेल ने दोनों ही तत्वों से शक्ति और संबद्धता हासिल की, लेकिन उसकी कमजोरी भी इसी मेल से पैदा हुई थी। दोनों के मेल ने शक्ति भी प्रदान की और उसी वही शक्ति एक तरह से कमजोरी बनकर भी उभर के आई। यह केवल खास किस्म की और आंशिक राष्ट्रीयता थी जिसमें धर्म के क्षेत्र से बाहर पड़ने वाले तमाम भारतीय तत्वों का समावेश नहीं था। हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधक था
जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाती है। विशेषकर मराठों की अवधारणा व्यापक थी और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी उनके साथ इस अवधारणा का भी विकास हुआ। तो यह एक खास किस्म की राष्ट्रीयता या आंशिक राष्ट्रीयता राष्ट्रीयवादिता थी जिसमें धर्म के क्षेत्र से जो लोग अलग थे ऐसे तमाम भारतीय तत्वों का मेल इसमें नहीं था, उनका समन्वय इसमें नहीं था। हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधक था, उसमें एक रुकावट पैदा करता था जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाती है। अगर हम राष्ट्रीयतावाद की बात करते हैं तो धर्म जाति इन सब का कोई भी भेदभाव फिर नहीं रहता है, संपूर्ण राष्ट्र एक हो जाता है। विशेषकर मराठों की अवधारणा व्यापक थी और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी उनके साथ इस अवधारणा का भी विकास हुआ। जो मराठे थे वह राष्ट्रीयता का बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और इसी के कारण उनकी शक्ति भी बढ़ती जा रही थी और इस शक्ति के बढ़ने के कारण उनकी अवधारणा भी बढ़ती जा रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस अवधारणा को मानने लगे थे। 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने लिखा था, हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन में है मन पर है। मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे और उनके भीतर लोकतांत्रिक भावना थी, इससे उन्हें शक्ति मिलती थी। शिवाजी औरंगजेब से लड़ा ज़रूर पर उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी। अब 1784 ईस्वी में जो वारेन हेस्टिंग था उसने लिखा था कि हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से सिर्फ मराठे एक ऐसे थे जो कि जिनके मन में वास्तव में राष्ट्र प्रेम की भावना थी और उसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर भी पड़ी। मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार प्रवृत्ति के थे और उनके अंदर लोकतांत्रिक भावना भी थी, इसी से उन्हें शक्ति मिलती थी। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण बताया, जो शिवाजी थे वो औरंगजेब के खिलाफ ज़रूर थे, उससे उनका युद्ध ज़रूर हुआ था, परंतु फिर भी वो हिंदू और मुसलमानों में अंतर नहीं करते थे। उन्होंने मुसलमानों को भी खुलकर नौकरियाँ दी थी। तो ये भाग हमारा आज यहीं पे समाप्त हुआ।